ये उस दौर की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को भी बताता है। तो मुझे लगता है कि उस दौर के राजनीति और उस दौर की पत्रकारिता को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके तब जब आज न्यूज क्लिक के दलाल देश के खिलाफ सौदा कर रहे हैं। सर, ऐसे जगह पे जिस न्यूज क्लिक का व्यूअर्स ही नहीं है, आपके हमारे तो व्यूअर्स इतने हैं तो हमें पता चलता ठीक है कि लोग सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, जिसका व्यूअर्स नहीं है, जिसको 500 600 लोग 1000 लोग देख रहे हैं, वो एक एक वीडियो का अभिषेक शर्मा को दो दो ढाई लाख लाख रुपए दे रहा है। तो ये मतलब उसके बाद ये लोग नैरेटिव गढ़ते हैं कि नहीं हम तो काम नहीं करते हैं, हमें मेहनतनामा मिलता है। अबे तुम्हारे चैनल की कमाई नहीं है जिस चैनल को, इसका मतलब है कि भारत के खिलाफ परसेप्शन गढ़ने के लिए, नैरेटिव गढ़ने के लिए काम किया था, तुमने पत्रकारिता का आवरण ओढ़ा। ये जानना जरूरी है कि 2004 में जो सैलरी थी, 2012-13 तक जो सैलरी थी, वो सैलरी आज 2023 में आधी क्यों हो गई है उन लोगों की, इसका मतलब समझिए उस समय कितनी ज्यादा सैलरी थी। हम लोगों का सर, जब हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे तो हमारे ऑफिस के कैंटीन से पैक होकर के गरीब टाइप का खाना आता था, एनडीटीवी का खाना, उसके ड्राइवर के लिए, उसके कैमरा असिस्टेंट कैमरामैन के लिए, 5 स्टार होटल का वहीं से खाना आता था। दरअसल बॉलीवुड से जो माल आता है सर, पैसा जो आता है, इसके पीछे हम लोगों ने जब कई बार मैंने अपने शो में भी इस बात की चर्चा की, देखिए जितने इनकी फिल्में आई हैं वो क्या खेल करते हैं कि चाइना में सुपरहिट हो गई है। मतलब जिस चाइना में हमारी भाषा नहीं समझता, जिस चाइना से हमारा न बेटी रोटी का रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारी तमाम फिल्में, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की फिल्में चाइना में हिट होती है, भारत में फ्लॉप। अब जैसे कि रवीश कुमार के वीडियो को कांग्रेस के दफ्तर से, एमपी से, तो क्या होता है, वायरल हो जाता है। एक किताब जो लिखी है, एक एनडीटीवी का रिपोर्टर जो है, मैं वही कह रहा हूँ, एनडीटीवी का एक रिपोर्टर है, उसने किताब लिखी है अपनी, उसके किताब को रवीश कुमार ने बिना पढ़े जो कुछ भी है उसने आते ही उसका प्रमोशन कर दिया। नमस्ते, आपका स्वागत है इस चर्चा में, और हम पुनः बात करेंगे हमारे राष्ट्रवादी और अराष्ट्रवादी पत्रकारों के बारे में। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष ठाकुर जी, आपके जाने पहचाने, और साथ में हैं दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार भी हैं, गरुड़ प्रकाशन के सीईओ। और यह बातचीत होने वाली है राष्ट्रवादी और अराष्ट्रवादी दोनों तरह के पत्रकारों के बारे में, मनीष ठाकुर जी से करेंगे प्रमुखता। और ये उनकी जो पुस्तक, वैसे तो पूर्व प्रकाशित है, पत्रकारिता का काला अध्याय, और अब इसको पुनर्प्रकाशित किया है गरुड़ प्रकाशन ने, इसमें कुछ नए अध्याय जोड़े गए हैं, तो और वो उनमें से एक विशेष अध्याय है राष्ट्रवादी पत्रकारों के बारे में। तो मनीष जी से कहूंगा, मनीष जी जरा बताएं ये राष्ट्रवादी पत्रकार किस प्रकार के होते हैं। सर, ये नए नए नव आवरण ओढ़ी थे, जो लगातार जिनने अपने आप अपनी छवि ऐसी बनाई कि वो खुद कहने लगे कि पत्रकारिता जो है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होनी चाहिए। तो ये काला चरित्र उनका अतीत का भी था और वर्तमान में जो आवरण ओढ़े हुए थे उनका भी था। तो जैसा आपने बताया सर कि पहला जो संस्करण आ चुका है, दूसरा संस्करण अंकुर जी ने छापा है, गरुड़ प्रकाशन जो लोकप्रिय प्रकाशक है, तो इनके द्वारा जो अभी जो छप के आया है ये पुस्तक, ये नवीन संस्करण है। और इसका जो आखिरी 7वां अध्याय जो महत्वपूर्ण है, वो उन लोगों का है जिनको हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो एक लोग ये मानते हैं कि राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो उनके काला चरित्र को भी है कि उनका अतीत क्या रहा और कैसे उन्होंने 2012 के बाद अपना चरित्र बदला है, अपने आप को किताब लिख लिख करके और सत्ता और सिस्टम में घुस करके, वो कितना ज्यादा और ज्यादा खतरनाक है। मतलब हमें और आपको सर जब पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है तो हम सतर्क होते हैं, लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं हो कि आपका दुश्मन कौन है और वो आपका दोस्त बनकर के आपके घर में, आपके पड़ोस में बैठा हो, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है आपके घोषित दुश्मन से, क्योंकि उससे आप सतर्क रहते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि ये ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि एक भ्रम का चरित्र बना हुआ है। पूरा खेल तो सर नैरेटिव का ही है, पूरी पत्रकारिता का खेल ही तो नैरेटिव का है। कैसे नैरेटिव उन लोगों ने गढ़ा जो ये कहते हैं कि सत्ता, ये जो पत्रकारिता जो है वो सत्ता के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो ये चरित्र इन लोगों ने आवरण ओढ़ा कि नहीं, हम तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आप ये मानते कि सरकार का जो बेहतर पक्ष है हम बताएं, लेकिन उस बेहतर पक्ष बताने में भी वो क्या षड्यंत्र करते हैं, उन तमाम चीजों का है। दूसरी चीज है कि सिर्फ अपने खेल के लिए क्या है, जैसे कि हम लोग अक्सर जानते हैं कि जब अर्णब गोस्वामी गिरफ्तार हुए थे तो ये सो कॉल राष्ट्रवादी चरित्र वाले जो थे वो क्या खेल कर रहे थे। उसके बाद जब
शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई तो इन लोगों ने क्या नौटंकी किया जो अपने आप को राष्ट्र असल खेल इन लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि पाठक यदि इसको पढ़ेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो पाएगा और परसेप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से खुल पाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहला एडिशन आपने इसका जो है इसकी समीक्षा भी की थी इस चैनल पे, आपने सबसे पहले जो है पहले एडिशन के लिए चर्चा किया था, मुझे याद है कि उसमें इसमें आपका अंश भी है जो जो आपका आप समीक्षा का जो है वो पार्ट आपका भी है, बहुत सारे लोगों का है, उसमें प्रमुखता आपका है। इससे ये पता चलेगा मुझे लगता है कि लोग ये जान पाएंगे, क्योंकि मैं इसे सर मानता हूं कि एक ये दस्तावेजी किताब है और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ज्ञान वाचक दिया गया कि ज्ञान मेरी सोच आपके प्रति है तो उस दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ है, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो रजत बाबू हो, चाहे वो दूसरे लोग हों। और व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया गया है, मैंने ये बताने की कोशिश की है 2000 से लेकर के 2020 तक जब टेलीविजन पत्रकारिता का जन्म हुआ और उसके बाद जब युवा अवस्था तक पहुंचा, टेलीविजन पत्रकारिता ने पूरी पत्रकारिता को और देश को कितनी क्षति पहुंचाई है, ये उसका काला पक्ष है सर। तो आपने दो नाम लिए प्रमुख और वो राष्ट्रवादी के रूप में जाने जाते हैं, वैसे राजदीप को और रवीश को तो हम सब जानते हैं और उनको हम राष्ट्रवादी नहीं ही मानते हैं, लेकिन उनका भी आपने काफ़ी इसमें विवरण दिया है। तो ये सुधीर चौधरी और रजत शर्मा के बारे में क्या है? सर सुधीर चौधरी के बारे में तो जब तक जैसे कि मैंने एक शो किया था अपने चैनल पे द मनीष ठाकुर शो पे, उस वो अब तक का मेरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है। उसमें लगभग 16,000-17,000 लोग लाइव थे, जो आज तक मतलब आमतौर पर हम जैसे लोगों के लिए इतने लोग लाइव होते नहीं। उनको सबको ये लगा कि सुधीर के बारे में कैसे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी ने आवरण ओढ़ा हुआ था कि हम मतलब हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया सर, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें स्पेशली लिखा हुआ था कि कैसे सुधीर चौधरी ने 2002 के दंगे में, SIT रिपोर्ट में है ये, कि 2002 के दंगे के बाद जब उस तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया था, जिसको हम लोग टेलीविजन के पत्रकार हम लोग टिकटॉक कहते हैं, उसको टिकटॉक कहते हैं कि मतलब हम छोटा सा इंटरव्यू जो 2-3 मिनट का होता है उसको कहते हैं हम लोग, तो वो सुधीर को मिला था करने को। सुधीर ने उसी में एक बड़ा षड्यंत्र किया था जो एक बड़ा चला कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, ये थ्योरी नरेंद्र मोदी ने दे दिया, वो पूरा फर्जीवाड़ा था सुधीर चौधरी का, उसकी उसने कटिंग की थी और वो उसको सुधीर चौधरी ने जी न्यूज पे दिखाया। उस समय सुधीर रिपोर्टर थे जी न्यूज के, और मतलब वो तो जन्मजात, वो लोग तो बड़े पत्रकार, जन्म पैदा लेते ही बड़े पत्रकार हो गए थे वो लोग, बहुत कम उम्र थी लेकिन बड़े पत्रकार उसी समय हो चुके हुए थे। उसके बाद उसी की खबर के आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से छाप दिया बिना नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिए, और उसके बाद उस टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया, बवाल मचा, गुजरात सरकार ने नोटिस जारी किया, देश भर के तमाम संस्करण में टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, लेकिन माफीनामा छाप दिया सिर्फ गुजरात संस्करण में, अहमदाबाद संस्करण में SIT रिपोर्ट के बाद। सुधीर चौधरी का पूरा खेल ये था। SIT रिपोर्ट में जब हाल में पिछले साल तो मुझे लगता है जब सुधीर चौधरी को निकाला गया जी न्यूज से, उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें पूरी तरह से साफ था इसको गवर्न किया गया। जब सुधीर को निकाला गया तो एक परसेप्शन गढ़ा गया, चैनल को भी फायदा इसमें था कि ये नहीं कहें सुधीर को निकाला है तो एग्जिट उसको बड़ा सम्मान से दिया जाता, परसेप्शन गढ़ा गया ये कि सुधीर चौधरी नया वेंचर ला रहे हैं। क्योंकि मेरे पास वो SIT रिपोर्ट हुआ करती थी, क्योंकि मैंने सुप्रीम लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कवर किया था, तो कोर्ट की रिपोर्टिंग में सर यही है कि वो हवा हवाई बहुत कुछ होता नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ एक तरह से आदत सी हो गई कि पत्रकारिता पूरे दस्तावेज के साथ करनी है। तो मैंने ये पहली बार कहा था कि सुधीर ने नौकरी छोड़ा नहीं है, सुभाष चंद्रा की मजबूरी है कि ये अब फूका हुआ कारतूस हो गया है, इसे निकालना है, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। जो हमारे व्यूअर्स है वो मुझे गाली देने लगे कि मनीष आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो लोगों गढ़ा गया कि ये नौकरी। अब सोचिए जो आदमी सर जी न्यूज में मालिक के कंडीशन में है वो आदमी आज तक में नौकर बन के क्यों जाएगा? आप जब मालिक होते हैं तो किसी संस्था में, और जी न्यूज और आज तक में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि फर्क है, तो जी में वो सालों से मालिक की तरह थे, लोग यही मानते थे कि जी न्यूज को मालिक है। वो आदमी गया एक सिंपल सा प्रोग्राम चिरकुट सा करने के लिए, उसके बाद जलालत उसकी इतनी ज्यादा हुई, तो फैक्ट हमने रखा था। और ये जो उनके उनके जितने लंगू भंगू थे वो सब खलियर हो गए, सबको निकाल दिया गया और परसेप्शन ये गढ़ा गया कि ये लोग जो है नए वेंचर में जा रहे हैं। तो कैसे ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है आवरण ओढ़ करके कि आपने फर्जीवाड़ा किया, लगातार किया, एक दो बार नहीं, उस आदमी का तो आप जानते हैं सर कि जब लाइव इंडिया में था तो पूरा चैनल, एक देश का पहला पत्रकार है जिसके संपादक रहते रहते पूरा चैनल ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि उसने एक शिक्षिका को वेश्या साबित कर दिया था। उसके बाद
उसी आदमी का चैनल जो है वो जब जी न्यूज में था तो तिहाड़ी हुआ, वो तिहाड़ जाने वाला पहला संपादक था एक्सटॉर्शन में। अब ऐसे ऐसे लोग यदि राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ लेंगे सर, तो हम जैसे लोग जब राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो हमें गाली पड़ेगी ना कि ये भी तो फलाना भी तो राष्ट्रवादी है। तो मुझे लगा कि ये पक्ष भी बताना बहुत जरूरी है। राजदीप जैसे लोगों के बारे में तो बहुत कुछ लोग जानते हैं, तो पूरा तीसरा चैप्टर में तो पूरा राजदीप बरखा और वो जो ये जो आउटलुक ने जो पूरा संस्करण ही छापा था, तो पूरा मैंने आउटलुक के साभार से एक 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 कोयला खाती हवा निगलती मीडिया है, तो मैंने आउटलुक के पूरा उसी को छाप दिया है कि कैसे जो है वो जो राडिया टेप दलाली वाला जो किस तरह राडिया से बातचीत का है, उसमें तो सबके सब नंगा हो गए हैं। एक पूरा चैप्टर जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म और लुटियन मीडिया करके है, फिर तीसरा चैप्टर पूरा एनडीटीवी को लेकर के है, और तमाम चीजें सर कुछ भी हवा हवाई नहीं है, पूरा दस्तावेजी है। और इसीलिए जब अंकुर जी ने इसको छापा है तो अच्छी बात यह कि इनके इनके साइड से भी बहुत बढ़िया जो है वो खुद ही ये बताएंगे कि किस तरह से इनके स्टाफ बताते हैं कि सर जबरदस्त सेल हो रही है, अमेजन पे कंटिन्यू नंबर वन बना हुआ है, जो नंबर वन आप कह सकते हैं कि कॉमर्स साइट है ये है। तो ये निश्चित मुझे लगता है कि अब लोग ये मानते, चूंकि सिर्फ ये पत्रकारिता की बात नहीं कि पत्रकार पढ़े इसको, ये उस दौर की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को भी बताता है। तो मुझे लगता है कि उस दौर के राजनीति और उस दौर की पत्रकारिता को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके तब जब आज न्यूज क्लिक के दलाल देश के खिलाफ सौदा कर रहे हैं सर, जब ये खुल करके सामने आ गया है कि न्यूज क्लिक ने एक संस्था के रूप में कैसे चीन ने पैसा दिया। और इंटरेस्टिंग सर ये है कि उन सब की चर्चा भी इस किताब में है, आज न्यूज क्लिक की चर्चा हो रही है और ये 2 साल पहले तमाम चीजें इस पुस्तक में है कि कैसे उन लोगों ने खेल किया। कल्पना कीजिए सर, हम एक गेस्ट को रखते हैं, कुछ गेस्ट को हम लोग पे करते हैं, मतलब अब चूंकि इतना सामर्थ्य हो चुका है टेलीविजन चैनल में, लंबे समय तक मैं गेस्ट जाता था दूरदर्शन पे लाइव लोकसभा टीवी पे और दूसरे चैनल पे, तो आपको पैसा समय पे मिल जाएगा, लेकिन जो जितने प्राइवेट चैनल हैं आप 10 बार जाएंगे तो आपको 2 बार का पैसा देंगे, गेस्ट कॉर्डिनेटर को आप फोन करेंगे तो अगली बार से आपको बुलाएगा नहीं, आलम ये है। और ऐसे जगह पे जिस न्यूज क्लिक का व्यूअर्स ही नहीं है, आपके हमारे तो व्यूअर्स इतने हैं तो हमें पता चलता है ठीक है कि लोग सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, जिसका व्यूअर्स नहीं है, जिसको 500-600 लोग 1000 लोग देख रहे हैं, वो एक एक वीडियो का विशाल शर्मा को 2-2.5 लाख रुपए दे रहा है, तो ये मतलब उसके बाद ये लोग नैरेटिव करते हैं कि नहीं हम तो काम नहीं करते हैं, हमें मेहनत नामा मिलता है। अबे तुम्हारे चैनल की कमाई नहीं है जिस चैनल को, इसका मतलब है कि भारत के खिलाफ परसेप्शन गढ़ने के लिए, नैरेटिव गढ़ने के लिए काम किया था, तुमने पत्रकारिता का आवरण ओढ़ा है। इसीलिए सर मैं अक्सर अपने शो में कहता हूं ये टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इन सबको समझना बहुत जरूरी है सर। जी जी, तो हम अंकुर जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि ये सुधीर चौधरी जी की जो घटनाएं हैं जरा थोड़ा सा बता दें सभी को, जिससे वो भी स्पष्ट हो जाए। सर मुझे से मैंने बताया आपको कि सुधीर चौधरी एक अपने आप को एक गढ़ते हैं कि 2-3 तरह का नाम, जैसे मैं खलिहर खैराती और खैराती शब्द यूज करता हूँ इन लोगों के लिए, उस तरह से वो पता नहीं मैं भूल रहा हूँ शब्द का एक वो यूज करते हैं, कुछ ऐसे पत्रकारों का शब्द का नाम यूज करते हैं मैं भूल रहा हूँ, जैसे रवीश ने गोली मीडिया शब्द ईजाद किया, उसी तरह से सुधीर भी एक शब्द का यूज करते हैं, मैं भूल रहा हूँ जी, डिजाइनर पत्रकार उनको जी ठीक कह रहे हैं, डिजाइनर पत्रकार यूज करते हैं। अब खुद कितना डिजाइनर है समझ लीजिए, वो आदमी खुद कितना डिजाइनर है, बाल का भी उसने शानदार डिजाइन किया हुआ है वो आदमी, तुम कलंकित व्यक्ति हो कि तुम्हारे संपादक रहते एक चैनल बिक गया, मतलब ब्लैकआउट हो गया। उसमें क्या था, उसका जो एक रिपोर्टर था सर वो झारखंड का था, और उसे पता चला कि मनीष ठाकुर जो है कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, और मतलब कोर्ट रिपोर्टिंग में ठीक ठाक है, उसे अरेस्ट कर लिया गया सर, 30,000 कोर्ट में पेशी होती थी, उसे कहीं से पता चला, वो मेरे पीछे पड़ गया, भैया मुझे जमानत, मुझे कोई वकील करवा दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस समय का जो बहुत प्रभावशाली वकील हैं जो 30,000 कोर्ट में हुआ करते थे, उनको मैंने उसका वकील बनाया और उनसे मैंने कहा कि सुधीर भले ही जेल, मैं पब्लिकली कह रहा हूं इसको बाहर होना चाहिए क्योंकि ये रिपोर्टर है, संपाद मतलब आपने खबर को तोड़ा मरोड़ा, एक स्ट्रिंग में करवाया उस एक लड़के से जो ट्रेनी है, जिसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, उस समय ग्रेजुएशन पास आउट करके आया था, और ग्रेजुएशन पास आउट करके आया था, और उस व्यक्ति को हमने जो है जब हमें पता चला तो हमें लगा नहीं मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। मुरारी तिवारी आज के डेट में वकालत में बहुत बड़े नाम है, और उस समय वो भी
30,000 कोट 1200 से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो बिहार से थे और वो भी एक वजह थी। तो मेरा मैंने कहा कि उसने केस उन्होंने मुफ्त में लड़ा, उसे जमानत दिलवाई और बाद में मेरी और उसके लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ था कि सुधीर चौधरी जेल नहीं जाए, सुधीर जेल नहीं गए। लेकिन पूरा फर्जीवाड़ा उसका था, एक संपादक ने तोड़ा मरोड़ा, एक सामान्य शिक्षिका को आपने वेश्या बना दिया। आपको आप और उसके बाद आप नैतिकता की बात करते हैं, दूसरे के लिए डिजाइनर की बात करते हैं। उसके बाद जब वहां सुधीर चौधरी वहां से छोड़े, ये जी न्यूज में आए, फिर से कारण क्या है उनका जो चैनल जो ब्लैकआउट हुआ, इसी कारण हुआ, इसी कारण ब्लैकआउट हुआ कि उन्होंने एक संपादक के रूप में इस तो, और सर भारत के इतिहास में एकमात्र चैनल है जिसका संपादक सुधीर चौधरी था और वो ब्लैकआउट हुआ। भारत का एकमात्र संपादक है जो तिहाड़ जेल गया एक्सटॉर्शन ऑल मतलब कैमरे पे करता हुआ। मेरा बार बार सर कहना है, ये लोग यदि नैतिकता का आवरण ओढ़ लेंगे ना, तो हम और आप जब अच्छा काम करेंगे ना, जैसे मैं हम लोग क्या कहते हैं कि केजरीवाल ने उस उम्मीद की हत्या कर दी है। आज के युवा यदि कोशिश करें बिहार यूपी में, जैसे कि आमतौर पर बिहार में कई लोग प्रयास करना चाहते हैं, लोग कहते हैं बहुत सारा केजरीवाल देख लिया हमने यार, तो उसने वो साधारण नेता नहीं है, उसने उम्मीदों की हत्या की है। तो वो लालू यादव, राहुल गांधी या दूसरों के अपेक्षा ज्यादा घटिया पॉलिटिशियन है जिसने उम्मीदों की हत्या की। 2014 से पहले क्या करते थे ये? 2014 वही कह रहा हूं सर, बहुत अच्छी बात कही। 2014 नहीं कही सर, 2012 कही, 2012 में जब दोबारा मोदी जी मतलब तिवारा जीत करके आए, तो ये हो गया कि रवीश कुमार ने एक गढ़ा था पूरे प्रणय राय के चेलों ने कि गुजरात, ये पूरा देश गुजरात नहीं है। 2007 के बाद एनडीटीवी ने एक नैरेटिव गढ़ा कि गुजरात के लोग जो हैं, गुजरात के लोग चरित्र से ही दंगाई होते हैं, ये खुल करके चलने लगा। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसे लोग उनको पसंद है। जब 2012 में वो जीत करके आए तो एक हीरो के रूप में आए और लगने लगा कि अभी आदमी देश पे छा जाएगा। उसके बाद ये सब के सब आवरण उन्होंने बदल दिया। आप पूरा रिकॉर्ड सुधीर का सबका देख लीजिए। रजत का तो कम से कम ये भी आता है कि उनका जो है वो विद्यार्थी परिषद से थे और आठ वो बहुत अच्छे से उन्होंने पकड़ा हुआ था, पहले तो महाजन जी को, प्रमोद महाजन जी को, चैनल ही प्रमोद महाजन जी के कारण आया था। उनके मरने के बाद इस सदमे में आ गए थे तो उल जुलूल करना शुरू किया, सांप बिल्ली छुचुंदर जो है नचाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि पूरा पत्रकारिता का चरित्र हनन, बिल्कुल सर, पत्रकारिता का यदि चरित्र सबसे ज्यादा क्षति यदि पत्रकारिता का किसी ने किया हुआ है तो इन दोनों ने किया हुआ है। और नैतिकता का आप सर किसी को ये नहीं कहेंगे कि कोई नहीं सुनेगा, कि कोई सुधीर कहेगा, कोई प्रणय राय कहेगा, लेकिन रजत के पीछे जी ही लगता है सर। रजत जी हैं, रजत नहीं है वो रजत शर्मा नहीं है, रजत जी है। लेकिन पत्रकारिता का बलात्कार यदि किसी ने किया सबसे ज्यादा तो रजत शर्मा ने किया है। आपने पूरी पत्रकारिता को सांप बिल्ली छुछुंदर का खेल बना दिया। भाई मुझे याद है कोर्ट रिपोर्टर, मेरा साला ही कोर्ट रिपोर्टर हुआ था, वो करता था वहां का, वो कोर्ट की खबर के बदले परेशान रहता था किसी बैगन में कोई ऐसा निकल दो कि गणेश जी टाइप दिख जाए। एक बार हम लोग रोड से जा रहे थे, वो गणेश विसर्जन का हो जा रहा था, वो तो रिक्शे में उसने लगाया हुआ था गणेश जी का जो आगे वाला जो जो जिस तरह से हाथी का वो होता है सूंड टाइप का, उस पे उसने शूटिंग करना शुरू किया, पूरी नौटंकी होनी शुरू कर दी। तो पूरी पत्रकारिता को नौटंकी बना दिया इसलिए, क्योंकि जो पैसा आना था माना जाता है कि उनसे, वो चीजें बंद हो गई। बाद के दौर में उन्होंने पूरी तरह से देखे, नोटबंदी में उन्होंने सरकार के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र किया। अरुण जेटली ने कहा एक लगता है कि व्यक्तिगत क्षति आपकी हुई है रजत जी, तो सब कुछ हमने बताया ऐसा क्या था कि रजत शर्मा नोटबंदी के खिलाफ पूरी तरह से मुहिम में चल गए थे। तब आपको पता चलेगा कि आज आप देखेंगे कि उन सब चैनलों में एक भी आपको महंगे रिपोर्टर मतलब सीनियर जर्नलिस्ट नहीं दिखाई देगा। वजह क्या है? अच्छा, पे नहीं कर सकते आप। अब एनडीटीवी को देखिए, मैंने क्यों कहा, एनडीटीवी का एक रिपोर्टर, जब मैं कांग्रेस कवर करता था तो कांग्रेस बीच पर एक रिपोर्टर था, उसने वो मुझसे सीनियर था, मैं उसे नाम के आगे भाई लगाता था। तो उसने एक दिन ऐसी बात हुई, उसने कहा तुम्हें क्या पता, तुम लोग कहते हो कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकार जाएगी, आप तो पत्रकारों का कितना सम्मान कांग्रेस करती थी, पता है ये सरकार आ गई, हम लोगों की सैलरी 7 साल से नहीं बढ़ी है। हमने कहा 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, वहीं पे काम कर रहे हो, दूसरे जगह क्यों नहीं जाते हो? तब उसके बाद अगले साल हुआ कि 7 साल जो पहले सैलरी थी उसकी आधी हो गई है। तो क्या वजह है सर? ये लोगों को जान, ये दूसरे लोग नहीं जान पाएंगे, ये जानना जरूरी है कि 2004 में जो सैलरी थी 2012-13 तक जो सैलरी थी वो सैलरी आज 2023 में आधी क्यों हो गई है उन लोगों की? इसका मतलब समझिए उस समय कितनी ज्यादा सैलरी थी। हम लोगों का सर, जब हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे तो हमारे ऑफिस के कैंटीन से पैक होकर के गरीब टाइप का खाना आता था, एनडीटीवी का खाना उसके ड्राइवर के लिए,
उसके कैमरा असिस्टेंट कैमरामैन के लिए 5-स्टार होटल का वहीं से खाना आता था और वहीं हम लोग खाते थे, उसके ड्राइवर उसके खलासी 5-स्टार का खाना खाते थे और दूसरे चैनल के लोग अपने कैंटीन का माल लाया हुआ जो पैक करके खाना आता था वो खाते, जब दिन भर, कई बार जब पार्लियामेंट दिन भर चलता है ना तो उस समय। ये सर इसलिए बताना जरूरी है सर कि लोगों को ये जानना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि 2013 में जो सैलरी थी उसकी आधी आज 10 साल बाद हो गई है। कुछ तो वजह होगी सर, कहां से पैसा आता था, तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा था। और इसकी जब ये सब, ऐसा नहीं कि मैं मन माफी कर रहा हूं, ये केस है, ये पुलिस रिकॉर्ड में है, लेकिन बताया नहीं जाता, लोग एक दूसरे को नग्न नहीं करते। आपने कहा रजत जी के बारे में, अब सोचिए सर, रजत जी एक बात कहते हैं अक्सर, मैं भी रजत जी ही कहता हूं चूंकि सब जी ही कहते हैं तो चलिए जी ही कह लेते हैं। वो कहते हैं, आप सुनते होंगे, दूसरे के घर, तो मेरे पापा कहते थे, मेरे बाबूजी, कि दूसरे के घर जाते हो तीसरे को देखने के लिए, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें देखें। तो आज ये हो गया। अब ये कितना बड़ा घटिया नैरेटिव है सर। हम लोग बच्चे थे जब, तब की ये कहानी है। रजत शर्मा जब जेपी आंदोलन में ये लोग विद्यार्थी परिषद में थे, अब सोचिए 70 से पहले इस देश में टेलीविजन कितने लोगों के पास था, 80 के बाद तो टेलीविजन जो है मतलब अपर जो है मिडिल क्लास से उसके पास पहुंचा है 80 के शुरुआत में। 80 से पहले नेशनल कैपिटल में तो समझ में आ सकता है, मतलब छोटे शहरों में तो वो भी नहीं था। आप कहते हो हम एक कमरे में 7 भाई बहन के साथ मतलब झुग्गी में रहते थे, तो झुग्गी में आपके पास 70 के शुरुआत में मतलब 65-67 में झुग्गी में आपके पास टेलीविजन था। लोग कोई सवाल नहीं करता है रजत शर्मा कितनी बड़ी झूठ क्यों बोलते हो, क्यों ऐसा परसेप्शन करते हो। मुझे लगता है ये सब चीजें भी बताने की जरूरत थी और इसीलिए ये काला अध्याय उनका काला चैप्टर है सर। अंकुर जी, आपको लीगल काउंसिल नहीं लेनी पड़ी इस किताब को छापने से पहले? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पुस्तक का जब मेरे पास मनीष जी ने प्रपोजल भेजा तो पहले तो ये हुआ कि ये तो पहले ही आ चुकी है, तो अभी हम इसको दोबारा से क्यों लेकर के आए, क्या है इसमें। तो मनीष जी से काफ़ी लंबी चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ कि इसमें पिछले मतलब जब ये पुस्तक आई है उसके बाद से भी 6-7 सालों में जो चेंजेस आए हैं, जो मीडिया में अभी रिसेंटली जो इन्होंने न्यूज़ क्लिक वाली बात करी और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कवर करनी थी, तो फिर ये भी हुआ कि मतलब इसको निकालने में कोई ऐसी समस्या तो नहीं होगी कि हम लीगल किसी इशू में फंस जाएंगे। तो मनीष जी ने कहा कि सब कुछ मैंने प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर दिया हुआ है, और अगर आप पुस्तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि सारे उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं, कहीं भी कोई ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं लिखी है जिसमें कोई मतलब बहुत ही ऑब्जेक्टिवली लिखा हुआ ये आप कह सकते हो इस पुस्तक को। तो इसमें कोई डेफेमेशन का नोटिस नहीं मिला? नहीं, डेफेमेशन का नोटिस नहीं मिला, मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा भी, क्योंकि अगर उसमें फिर ज्यादा फजीहत उन्हीं लोगों की होगी जो डेफेमेशन का नोटिस भेजेंगे हमें। तो मनीष जी, कुछ जो इसमें रोचक आपने प्रसंग डाले हैं उनके बारे में भी और चर्चा करते हैं। आपने रजत शर्मा के ये जो है आपके जो ये नेशनल इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन बना रखा है, इसके कार्यकलापों के बारे में आपने इस अध्याय में भी कुछ काफी कुछ लिखा है, तो वो बताएं ये किस तरह से इसका दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल सर, आपने अच्छी बात कही, क्योंकि जब पहला एडिशन आया था तो कई लोगों ने मुझे, एनडीटीवी के कई साथियों ने कहा कि क्या इसमें उन लोगों की भी चर्चा है क्या, क्योंकि काला अध्याय था। तो उस समय तक तो मेरे लिए थोड़ा सा मेरी चुप्पी हो गई क्योंकि मैं अक्सर लिखता तो था। फर्स्ट एडिशन जब आया था तो उस लोगों का ये सवाल था कि आपने क्या एक पक्ष के लिए कहा ये बात कही है क्या। तो ये जो एडिशन है उसमें ये जो आप कह रहे हैं कि ये एनबीए के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद इनकी नैतिक जिम्मेदारी, देखिए कैसे सर नैरेटिव गढ़ा जाता है। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार जब किया गया तो उनकी खबर के लिए गिरफ्तार किया गया और एकदम से चू शब्द इन लोगों ने नहीं बोला, कहा भी कि रजत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो अदालत लगाते हैं, एक बार मुझे अपनी अदालत में बुला लें, उसने रिक्वेस्ट भी किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। एक गार्जियन के रूप में इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, लोग इनको सम्मान करते थे, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि अर्नब से कम अर्नब का पक्ष तो ले लेते। अर्नब ने कोई भ्रष्टाचार पे अर्नब नहीं जेल गए थे, अर्नब किस लिए जेल गए थे, अर्नब को एक तरह से टारगेट इसलिए किया गया कि वो एंटोनियो माइनो कह गए थे और माना जाता कि वहीं से शुरू हुआ, फिर पुराना कोई केस खुलवाया गया जिसका कोई मतलब नहीं था। एनबीए के
सर्वे सर्वा लाभ सालों तक रहने के कारण, क्योंकि सरकार माना जाता था कि इन्हीं की है, जेटली जी जो है सर्वे सर्वा थे और जेटली जी के कारण जो है इनकी जो है मतलब जब पांचों उंगली और सर कराई सब कुछ था इनका, मौज थी इनकी। जेटली जी के जाने के बाद ये रोने भी लगे, ऑन एयर रोए थे, और वाजिब सी बात है मित्र भी थे इनके, मित्र क्या एक तरह से इनके गार्जियन थे। इसमें पूरी तरह से बताया गया कि कैसे कैसे इन लोगों ने पत्रकारिता का हनन किया। आपको याद होगा सर, जब शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हुआ था, रजत शर्मा और सुधीर चौधरी ने सबसे ज्यादा मुहिम चलाया था। रजत शर्मा ने खुल करके कह दिया अदालत का जजमेंट ही गलत है, और अपना जजमेंट जो अपना अदालत लगाते हैं उस हिसाब से उन्होंने जजमेंट भी सुना दिया। पूरी मुहिम चला दी कि वो नैतिक है, निर्दोष है, और आपने एक आदमी के लिए जिसके वाले ड्रग्स का शाहरुख खान के बेटे को छूने की हिम्मत किसी अधिकारी ने यूं ही नहीं की होगी, लेकिन आपने उसे निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन आपका एक कलीग जिसको फंसाया गया, जिसको टॉर्चर किया गया, जिसको घर से पुलिस जो है अपमानित करके ले गई, आपने उसके बारे में एक बार भी कुछ नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि जब आप नैतिकता की बात करते हैं तो आपसे सवाल ज्यादा बनता है। तो मुझे लगता है कि पहला संस्करण में ये किताब अधूरा था, दूसरा संस्करण में जाकर के पूरा हुआ, और इस तरह से सब कुछ, और सबसे खतरनाक वही होता है कि जब आवरण ओढ़ करके आप खेल करते हैं। मुझे लगता है कि तमाम चीजें जो है वो इन सब चीजों को एक एक डॉक्यूमेंट्स के साथ है, पूरे फैक्ट सामने रखे गए हैं कि कैसे इन लोगों ने किया। दरअसल बॉलीवुड से जो माल आता है सर, पैसा जो आता है, इसके पीछे हम लोगों ने जब कई बार मैंने अपने शो में भी इस बात की चर्चा की, देखिए जितने इनकी फिल्में आई हैं वो क्या खेल करते हैं कि चाइना में सुपरहिट हो गई है। मतलब जिस चाइना में हमारी भाषा नहीं समझता, जिस चाइना से हमारा न बेटी रोटी का रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारी तमाम फिल्में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की फिल्में चाइना में हिट होती है, भारत में फ्लॉप, जब से अभी राष्ट्रवादियों ने मुहिम चलाया एंटी ब्रोथ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उन फिल्मों को हिट बताने का षड्यंत्र करते हैं पूरा। मैंने कई शो इस पर किया है, करीब करीब उस पर भी थोड़ी सी चर्चा इसमें है, और बहुत गहराई से हम नहीं जा पाए क्योंकि ये बाद में चीजें, ये फिल्में अभी बाद में, लेकिन उनकी कैसे बॉलीवुड, आप अक्सर देखते होंगे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इसके पक्ष में रजत बाबू खूब मुहिम चलाते हैं, और देश की जनता इन लोगों को राष्ट्रवादी नहीं मानती है। जो आदमी कहता हो कि मेरी पत्नी जो है वो डर रही है, देश छोड़ना चाह रही है, शाहरुख खान ने पता नहीं क्या क्या नहीं कहा कि पाकिस्तान में मेरे जो है मेरे बाप का रिलेशन है पाकिस्तान से है, मुझे अपने आप ये फीलिंग होती है क्रिकेट के प्रोग्राम में, आप उन लोगों को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश करते हैं जो देश की जनता उनको क्या मानती है और उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। तो मुझे लगता है एक एक पक्ष ये जानना जरूरी था, इसीलिए इन सब पक्षों पे चर्चा होनी चाहिए थी और लोगों को ये समझना चाहिए। सबसे बड़ा बात में जिसको बहुत हल्के में लेते हैं, उस झूठ का है जिस चीज के लिए रजत जी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं दूसरे को देखने तीसरे के लिए। सर हम और आप जानते हैं 80 से पहले इस देश में कितना टेलीविजन हुआ करता था, कितनी बड़ी मक्कारी, कितना बड़ा नैरेटिव गढ़ते हैं कि जब ये बच्चे थे तो टेलीविजन देखने क्या आता था। सर 80 से पहले बहुत से बहुत कृषि दर्शन, हम लोग जब छोटे थे तब भी तो टेलीविजन पे क्या आता, चित्रहार का इंतजार करते थे, देखने लायक होता क्या था जो लोग देखेंगे। ये मैं कह रहा हूं रामायण महाभारत से पहले टेलीविजन पर देखने लायक होता क्या था जो बच्चे वहां दूसरे के घर तीसरे को देखने जाएंगे। 85-86 के बाद तो टेलीविजन देखने लायक हुआ है, उससे पहले क्या था, एशियाड में एशियाड आया करता था। हमारे घर में भी 82 एशियाड के टाइम पे आया था, और एशियाड में सबसे पहले उस समय जो है वो कलर टेलीविजन का ब्रॉडकास्ट आरंभ हुआ था, तो उस समय से जोर पकड़ा था। उससे पहले तो खैर होता तो था, लेकिन उसमें बहुत कुछ क्या कभी चित्रहार या कभी न्यूज इसके अतिरिक्त कुछ आता भी नहीं था। अब वैसे आपने इसमें रजत शर्मा और सुधीर चौधरी दोनों का सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के जी उसकी भी चर्चा, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण की भी चर्चा है इसमें, जो आखिरी अध्याय है उसी से पूरा पोल खुलता है सर कि इन लोगों ने कैसा षड्यंत्र किया है उसके साथ। इसीलिए क्योंकि शाहरुख खान को बचाना है तो इसीलिए तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है पाठक यदि पढ़ लेंगे इसको तो एक ही चैप्टर से ये बहुत कुछ इन लोगों का चरित्र क्लियर हो जाएगा। बाकी तो पहला संस्करण में बहुत कुछ है, वो तो आपने बहुत गहराई से उसका जो है उसकी समीक्षा भी की हुई है जी। तो इन लोगों ने क्या किया सुशांत सिंह राजपूत, थोड़ा संक्षेप में बता दें। सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखिए कि पूरी उस नैरेटिव को गढ़ा गया जैसा शाहरुख खान ने चाहा, और उसमें बहुत उनके वकीलों ने, शाहरुख खान ने पूरे प्रकरण में बहुत चालाकी की कि उन्होंने देखिए उनके प्रवक्ता ये सब बन गए। आप देखेंगे सर कि
ना सुशांत सिंह राजपूत में और ना ही बेटे वाले प्रकरण में शाहरुख खान कभी कैमरे पर नहीं आए, कभी कैमरे पर नहीं आए, उनकी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। जबकि शाहरुख खान बॉलीवुड का सबसे बड़बोला अभिनेता है, सबसे बड़बोला, उससे बड़ा बड़बोला कोई नेता अभिनेता है नहीं। लेकिन शाहरुख ने इन तमाम चीजों पे पूरी चुप्पी लगाई। जिसका बेटा अरेस्ट हुआ उसने कहीं कोई बात लोकल मीडिया से नहीं की, कहीं नहीं की, क्योंकि उनके प्रवक्ता कहीं और बैठे हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत के खेल में कैसे कैसे उन महिमा मंडन किया गया, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, जो लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका आवरण, उसको उसको उसके लिए नैरेटिव गढ़ा इन लोगों ने, उसकी चर्चा कैसे उसके लिए। आप जब सुशांत को एक तरह से खलनायक बनाया, बड़ी चालाकी से इन लोगों ने सुशांत को खलनायक बनाया, और जब आप ही खलनायक बनाने लगेंगे, आपको लोग ज्यादा देखते थे, चलो भाई ये जो है ना ये तो थोड़ा नेशनलिस्ट है, और आपने बड़ी चालाकी से सुशांत को खलनायक बना दिया। तो मुझे लगता है कि एक पत्रकार की नजर से इस बात को भी जानना जरूरी था, और इसीलिए ये बताने की कोशिश की गई सर। और एक आपने विस्तार से थोड़ा ये हमारे NDTV की जो सेल हुई है उसका भी आपने काफी रवीश के माध्यम से चर्चा की है अपने इस नए अध्याय में। बिल्कुल, एक एक चैप्टर ही है सर NDTV को लेकर के, और NDTV और हवाला कारोबार नाम ही है कि कैसे NDTV और हवाला कारोबार, उसमें पूरा उस खेल को है, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, कैसे कैसे वो फंसे और पैसे कैसे नेताओं की भूमिका है, तो वो पूरा खेल है। उसके बाद इन लोगों ने जो उसमें पूरी तरह से कि कैसे रवीश को पैदा किया गया, मैंने उसकी व्याख्या भी की है। रवीश क्रिएटेड है प्रणय राय का। वो कैसे क्रिएटेड है? वो क्रिएटेड ऐसे है कि एक दौर था सर कि टेलीविजन में जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो हम सीनियर जर्नलिस्टों से सुनते थे, टेलीविजन वालों से, वो कहते थे कि 9:30 का बुलेटिन मैडम देखती थी। तो मैडम मतलब इस देश में एक ही होता है, और आप कांग्रेस मुख्यालय जब जाएंगे तो। और इस किताब के लिखने का सर ना, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इस किताब का पूरा क्रेडिट मेरा जाता है 1 साल का हार्ड कोर कांग्रेस की रिपोर्टिंग। मैंने पूरे करियर में सर कांग्रेस दफ्तर में नहीं गया हुआ था, और मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ने से पहले, कहता ना बहुत कुछ ईश्वर तय करता है, मुझे सजा के तौर पे कांग्रेस बीट दी गई थी। अच्छा, मेरे एडिटर ने सजा के तौर पे, उनको पता था कि ये कांग्रेस को गरियाता है सोशल मीडिया पर जो है ये कांग्रेस, तो मुझे सजा के तौर पे कांग्रेस बीट दी गई सर। और जब कांग्रेस बीट दी गई तो वहां मुझे कहा गया, अरे मनीष ठाकुर फेसबुक पे तो वो बहुत लिखते हो यार कांग्रेस के खिलाफ, तो वहां मुझे कांग्रेस की रिपोर्टिंग करनी थी। तो मैंने कहा मैंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कांग्रेस के दलाल पत्रकारों के लिए बोलता हूं। तो मुझे सर वहां सपोर्टिंग नहीं मिलता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने एक बार जब मैं बैठता था बिल्कुल ठीक सामने में, और राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 14-15 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया, और मैं बिल्कुल ठीक सामने बैठता था राहुल गांधी के, और मैं यूं उंगली उठाता था कि भाई मेरी बारी भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं जहां काम करता था तो बिल्कुल एकदम सीट फिक्स एकदम सामने में होता था, मैं हमेशा बैठता था। मैंने एक बार कहा रणदीप सुरजेवाला से, करीब 8-10 पत्रकार थे, और वो दिन था सर जिस दिन वोटिंग हो गई थी, फाइनल वोटिंग हो गई थी। तो मैंने रणदीप सुरजेवाला से कहा, 8-10 कांग्रेस के रिपोर्टर थे, 2019 के मई महीने की बात है सर, मैंने कहा रणदीप जी चुनाव भी हो गया, 1 दर्जन बार ज्यादा समय तक राहुल गांधी आए, और आपने मुझे एक बार भी सवाल नहीं करने दिया राहुल जी से। तो रणदीप सुरजेवाला चुप रहे, और मैंने अपने शो में इसकी चर्चा कई बार की है, रणदीप चुप रहे 8-10 जो उनके लंगरू भंगरू थे। उसके बाद 5 मिनट बाद उन्होंने हवा में बोला, अपने पत्रकारों से फुर्सत हो तब तो दूसरों को मौका दें। ये उन्होंने खुल करके, मतलब 2-3 सेकंड पॉज लेते हुए उन्होंने मुझे ये बात कही, और मुझे कभी नहीं, मगर हुआ क्या सर इंटरेस्टिंग कि मेरा एक खास दोस्त था, वो मुझे कहता था कि देख मनीष तू पहचान में आ चुका है तो तुम्हें अंदर की खबर कभी मिलेगी नहीं। तो जब अहमद पटेल से, जब 2-3 लोगों का नाम उसने बताया, इन लोगों से जब हम लोग मिलने जाते हैं ना, सेलेक्टिव 4-5 लोग जाते हैं, तो तुम मेरा कंधा पे हाथ रख करके मेरे साथ चल दिया करो अर्नब अहमद पटेल के कमरे में। अहमद पटेल के कमरे में जब मैं पहली बार गया एक जर्नलिस्ट के रूप में, जब उसकी व्याख्या भी मैंने इसमें की है सर, अहमद पटेल मुसलमान थे, हार्ड कोर गुजराती, उनके चैम्बर में राजीव गांधी की मूर्ति है, थी, अब तो खैर वो स्वर्गवासी हो गए, और सोनिया गांधी और राजीव गांधी की जो शादी की तस्वीर है ना, शादी की तस्वीर कौन रखता है? व्यक्ति खुद रखता है ना अपने बेडरूम में, उसके अलावा कोई नहीं रखता, वरमाला वाला, आपका भाई आपके पिता भी क्यों रखेंगे, आपका बेटा भी, मतलब आमतौर पर लोग अपने शादी का तस्वीर रखता है। वरमाला वाली तस्वीर सोनिया और राजीव गांधी की
वो राहुल अहमद पटेल के चैम्बर में हुआ करता था। तब समझ जाइए कि चापलूसी जो, या फिर कह लीजिए समर्पण जो भाव है, वो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और वहां जब बैठते थे, वहां जब वो बात करते थे, किसी की नौकरी चली गई तो जितनी चिंता अहमद पटेल करते थे, एक बात में मानना पड़ेगा कि उन लोग, और इसीलिए वफादार हो जाते हैं लोग कांग्रेस के। मुझे ये समझ में आया कि क्यों कांग्रेस के प्रति वफादार हो जाते, जो हार्डकोर, मुझे हार्डकोर देखा जो विद्यार्थी परिषद के लड़के थे, वो कांग्रेस में जाने के बाद, कवर करने के बाद बहुत सारे लोग एकदम समर्पित हो गए। वो चीजें इनके यहाँ नहीं दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है। एक बहुत बड़ा पत्रकार था, आज तक से उसकी नौकरी चली गई थी, वो साथ में था वहां पे। पूछा गया कि अच्छा आप तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो कह दिया है, तो मतलब उसकी 30,000 रुपए फिक्स कर दिया गया। और ये माना जाता है, अब मान लीजिए किसी की, आप यदि बुरे वक्त में आपके किचन का प्रॉब्लम यदि कोई सॉल्व कर लिया तो आप निकल लेते हैं, फिर जीवन भर आप उसके प्रति वफादार हो जाते हैं। तो ये चीजें उनको आती है, और यही कारण अभी मैंने एक शो में देखा सर, मैंने अभी परसों शो किया, मुझे एक जाकिर त्यागी करके, एक मुझे लगता है कि ट्विटर पे है, एक लड़का कांग्रेस का समर्थनते होंगे, उसने पिन किया हुआ एक वीडियो, वो मैंने दिखाया, उसमें नेहा सिंह राजपूत जो बिहार में काबा फलाना काबा, अपने आप को कहती है कि मैं तो समर्पित हूं, मैं तो मतलब मुझे सत्ता और विपक्ष सत्ता के खिलाफ करती हूं, वो उसमें बैठी हुई है, वो कौन सी पत्रकार है। मैंने जब देखा उस वीडियो को, मैंने कहा ये पीछे नेहा सिंह राजपूत, दरअसल कांग्रेस ने अपने समर्थक यूट्यूबरों को बुलाया था बिहार में, उसमें ये धान गेहूं एक्सपर्ट और सनसनीबाज मेरा गया नहीं था, वो दिख नहीं रहा, हो सकता गया वो पीछे छुपा हुआ होगा, लेकिन नेहा सिंह राजपूत समेत कई ऐसे पत्रकार जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जो अब आजकल यूट्यूब पे हैं, वो सबके सब थे। अब नेहा वहां क्या कर रही है, उसमें वो त्यागी पूछ रहा है कि हम लोगों पे सरकार हमला कर रही है, हम लोग आपके फेवर में खबर दिखाते हैं तो हमला कर रही है, तो ये कहते हैं जयराम रमेश राहुल जी, इनकी समस्या को तो सुनना पड़ेगा। अगर आप लोग एकजुट होकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए, आप समझिए कि कितना केयरिंग है वो लोग। और हम जैसे लोग तो, मुझे नहीं लग रहा कि आज तक कभी कोई कॉल आई होगी, या फिर क्यों जरूरत भी नहीं है उस चीज की, लेकिन कोई कम से कम आपके वीडियो को कोई साझा करे। अब जैसे कि रवीश कुमार के वीडियो को कांग्रेस के दफ्तर से एमपी से, तो क्या होता है, वायरल हो जाता है। एक किताब जो लिखी है, एक एनडीटीवी का रिपोर्टर जो है, मैं वही कह रहा हूँ, एनडीटीवी का एक रिपोर्टर है, उसने किताब लिखी है अपनी, उसके किताब को रवीश कुमार ने बिना पढ़े जो कुछ भी है उसने आते ही उसका प्रमोशन कर दिया। अब वही रिपोर्टर है जो बार बार अपना फेसबुक पे डालता है कि मेरा जो है 8 नंबर पे आ गया, 7 नंबर पे आया अमेजन पे, तो क्या करता था, पत्रकारिता का काला अध्याय वो काट क्रॉप कर देता था, क्योंकि ये नंबर 1 नंबर 2 पे अमेजन पे भी बना हुआ है, इनके अंकुर जी के यहाँ तो बिग डिस्टेंस के साथ नंबर 1 है, अमेजन जो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स है कंटिन्यूअसली नंबर 1 बना है, वेरी फर्स्ट जैसे सर। जिस दिन इन्होंने मुझे किताब भेजी है, एक लेखक को जो भेजते हैं ये लोग, वो जो 10 कॉपी भेजी, उस कॉपी के आते ही मैंने यूट्यूब पे चर्चा की, और अगले ही दिन ये बेस्ट सेलर इनके यहाँ भी हो गया और अमेजन पे भी बेस्ट सेलर हो गया अगले ही दिन चर्चा। तो ये इस मंच के कारण हो पा रहा है, ये भी एक चीज है। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए, उसकी किताब को की व्या चर्चा रवीश कुमार कर देता है, तो रवीश कुमार यदि कर दिया तो मार्केटिंग हो गई। ये इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों का कैसा बना हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से जितने भी यूट्यूबर्स बने हैं जो क्लियर हुए हैं, सबकी मार्केटिंग कांग्रेस उनका यूट्यूब वीडियो उठा करके, कभी एमपी कांग्रेस, कभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, और ये करते हैं। लेकिन इनको तो उन सब चीजों से भी ये नहीं है कि इनके काम का जो कम से कम वही निकाल लें इनके प्रवक्ता, ढंग से टेलीविजन चैनलों पे आपके वीडियो को देखें तो उनके प्रवक्ता कुछ पढ़ लिख पाएंगे, मतलब कुछ डिस्कशन ढंग से कर पाएंगे, लेकिन आपका वीडियो शेयर नहीं करेंगे, आपका कंटेंट चुरा लेंगे वो, लेकिन आपको उसको क्रेडिट नहीं देंगे। तो ये जो मानसिकता है ना, ऐसा लगता है कि इस यहाँ पर जो सिर्फ नरेंद्र मोदी काम करें, योगी आदित्यनाथ काम करें, और हम लोग जो है बैठ करके जो झाल बजा करके जो है वो मलाई चाटे, बस ये मानसिकता है। तो मुझे लगता है कि वो नैरेटिव जो है पत्रकार, वो भी इसकी चर्चा की गई है सर। लेकिन वो हमारे जो रवीश जी कहते हैं ना कि साहब के अडानी ने उनको हटाने के लिए केवल एनडीटीवी खरीदा, इसके बारे में क्या कहेंगे? कमाल की बात है सर, कमाल की बात है ना, कितना कमाल की बात करता है वो। मुझे लगता है कि उससे बड़ा शातिर, उससे बड़ा धूर्त वो पत्रकारिता का अरविंद केजरीवाल है यार, कहने के अरविंद केजरीवाल का बाप है वो। वो देखिए वो क्या करता है, उसको पैदा किया गया, वो सब कोई जानते हैं कैंडी टीवी में वो डेस्क पे चिट्ठी छांटता था, जो वो आता था उसको चिट्ठी, एक दौर है वो चर्चा बीच में छूट गई जो आपने पहले पूछा था रवीश पे। तो उसके बाद आया सर कि मिडिल फैमिली का दौर, मतलब टेलीविजन कौन देखते हैं,
पत्रकारिता में पढ़ाई होती है कि दैनिक जागरण यदि आप पढ़ते हैं तो आपको छोटा सस्ता वाला जो एड मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का पाठक जो है तो टाइम्स ऑफ इंडिया का पाठक को माना जाता है कि भाई वो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो उसको महंगा एड मिलता है। वैसे ही एनडीटीवी भले ही कम चलता था लेकिन उसको एडवर्टीजमेंट महंगे महंगे मिलते थे। आप एशियन एज 5000 कॉपी छपती थी लेकिन वो फर्स्ट एसी के केबिन में जो है वही रखा जाता था राजधानी के। ये माना जाता था कि फलाना चैनल जो है एनडीटीवी मैडम देखती है 9:30 बजे जब वो डिनर करती है, तो उस समय खुद प्रणय राय आएंगे और हिंदी पर फलाना आएगा। तो ये तय किया गया कि ये दौर बदल रहा है। अब दौर जो सोशल मीडिया का दौर में आया तो मिडिल फैमिली सब कुछ तय कर रही है। एकाएक रवीश को पैदा किया गया और पहली बार चैनल पे टाई का कल्चर खत्म हुआ। रवीश सिंपल कोट में आता था, वो भी बिना आयरन किए हुए, जिस तरह से केजरीवाल बौना आदमी है। हमने कई बार कहा कि उसकी पत्नी या कोई सलाह क्यों नहीं देता कि 36 नंबर का शर्ट उसे आता होगा, वो 46 नंबर का शर्ट पहन लेता है। अरे चिरकुट, तुम्हें बिना स्त्री किए भी पहनना है तो 36 नंबर का पहनो ना, बौना आदमी को कितना चाहिए सर, उसको तो 36 नंबर का शर्ट चाहिए। मैंने कई बार का कोई सलाह ही नहीं देता उसे कि तुम्हें 46 नंबर का शर्ट नहीं पहनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि रवीश कुमार ने जानबूझ करके बाल नहीं झाड़ना जो लालू यादव करते थे, उससे क्या हुआ कि आम आदमी को लगा कि मेरे तरह का आदमी है, उसके बाद वो पॉपुलर हुआ। और उसकी रवीश की रिपोर्ट बहुत अच्छा आती थी, उसका मैं भी फैन था। लेकिन उसके बाद उसने नैरेटिव गढ़ना शुरू किया, फर्जी बारा, लोगों को अच्छा लगना शुरू किया। आज देखिए ये जितने जी पत्रकार हैं ये सब कोई इजराइल पे खबर नहीं कर रहा सर, पता नहीं आपने गौर किया है नहीं किया, मैंने 2-3 शो किया है। ये जो सनसनीबाज है रवि राजीव मसूदी शुक्ला का चेला, राजीव शुक्ला का चेला जो आजकल बहुत बड़ा क्रांतिवीर बना हुआ है, एक शो इजराइल पे नहीं किया। क्यों? इन्हें पता है हमास के खिलाफ करेंगे तो डंडा कर देगा घर में घुस के, यहां भी मारेगा, वो कहीं भी मारता है, जिस तरह से खालिस्तानियों को कनाडा में निपटा रहा है, हमको तो कोई नहीं कुछ कहता। हाँ, लेकिन वो हमास के खिलाफ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनका व्यूअर्स तो हमास का भक्त है, इसीलिए वो लोग चर्चा नहीं करते। ये परसेप्शन है। देखिए षड्यंत्र देखिए कि अनुराग मिश्रा बना दिया सर शाहरुख खान को, जो दिल्ली दंगा का, कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं हुई। देश के गृह मंत्री के खिलाफ फर्जी खबर रवीश कुमार चलाता रहा कंटिन्यू। उसकी पूरी व्याख्या बहुत गंभीरता से है इस किताब में कि किस तरह से एक मैगजीन जो है उस मैगजीन में फर्जी खबर छापी गई और भारत के गृह मंत्री के ऊपर एक परसेप्शन। लेकिन फिर भी कुछ तब ये लोग गढ़ते हैं क्रिएटिव क्या कि इस देश में जो है ना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तुम देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हो, देश के गृहमंत्री के खिलाफ झूठी रिपोर्ट छापते हो, तब भी तुम्हारा सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इन लोगों का सच जानना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। लेकिन गजब का नैरेटिव गढ़ते हैं। जब ये यूट्यूब पे आया तो इसने क्या कहा, मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पेट पे लात मर गई है। इसने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, मेरे पेट पे लात मर गई, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं किसी कैमरामैन को रख करके यूट्यूब चैनल चलाऊं। हम जैसे लोगों ने तो सर 10,000 के मोबाइल पे यूट्यूब चैनल शुरू किया था। और क्या, पहले कौन सा कैमरामैन होता था। और अभी भी सर मैं लाइव करता हूं तो मुझे कैमरामैन की, अभी आपके साथ जुड़ा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे जो स्टाफ आते हैं जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इस तरह का थोड़ा सा एडिटिंग का, तब चूंकि हम लोग टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए जरूरत होती है। लेकिन उसके लिए तुम इतने दिन सैलरी काम किए, तुम मतलब 15,000-20,000 सैलरी किसी बच्चे को नहीं दे सकते हो, इतने नीच हो। 15,000-20,000-25,000 तुम सैलरी किसी को नहीं दे सकते, 2-3 स्टाफ नहीं रख सकते। आज दुनिया भर में घूम रहा है सर, पूरे देश बुरी दुनिया घूम रहा है, मतलब पेट पे लात मार के। देखा था फर्स्ट क्लास में बैठ के, प्लेन में फर्स्ट क्लास में बैठ के जा रहा था फ्रांस, फर्स्ट क्लास का किराया एक तरफ कहीं 4 लाख है और पूरी दुनिया घूम रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी था सर इन लोगों का चरित्र जानना, इन लोगों का सच जानना। कोई तो हो कि हम लोग जैसे कम से कम ये कि लोग बताते हैं, और आप भी तो अक्सर मुझे लगता है कि इसको नंगा करने में आप कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, तो ये जरूरी है कि ये चलते रहना चाहिए सर। ये तो बताइए, ये जो 14 पत्रकार हैं जिनको ब्लैकलिस्ट किया है कांग्रेस ने या इंडी अलायंस ने, इनको किस प्रकार से चिन्हित किया गया? देखिए वो इंटरेस्टिंग ये है कि इनको तो पहले ही से ये नहीं देख वो करते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस दफ्तर में रिपब्लिक टीवी की एंट्री बंद है कई सालों से, उसके रिपोर्टर अंदर जा ही नहीं सकते। जी न्यूज जब से राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया तब से क्या? जी रिपब्लिक की एंट्री बंद है। रिपब्लिक के 4-4, 5-5 रिपोर्टर कांग्रेस दफ्तर के बाहर होते हैं जब बड़ी खबर होती है, तो एंट्री उसके अंदर बंद है। जी न्यूज का कोई रिपोर्टर कैंपस में तो जाता है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता, क्योंकि जी न्यूज के पास कांग्रेस अपना रिपोर्टर नहीं भेजता, तो जी न्यूज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजना बंद किया, लेकिन कैंपस में होते हैं उसके रिपोर्टर। मतलब कांग्रेस के होता ना कि फर्स्ट लेयर में ही, फर्स्ट लेयर में रिपब्लिक नहीं है, सेकंड लेयर में जी न्यूज नहीं, ऐसे कई। तो बहुत सारे चैनल पे आप जाएंगे सर, मैं तो चूंकि चैनलों पे जाता रहा, तो अब ये बताऊं कि मैंने पिछले कुछ दिनों से तय किया कि मैं किसी चैनल पे नहीं जाऊंगा। मैंने एक पूछा एक बार एक बड़े चैनल से, भाई तुमने वो चेक तो मेरे पास आया नहीं। कहा सर हमारे बॉस कहते हैं कि हम तो लोगों का चेहरा चमकाते हैं तो पैसा जो है वो नहीं देते। हम कह सुनो दोबारा फोन मत करना, चेहरा मुझे चमकाने की जरूरत नहीं है, और जितने देर में तुम्हारे पास आऊंगा उससे कई गुना मैं एक शो में जो है मैं अपना कर लूंगा, तो इसीलिए आज के बाद फोन मत करना। मैंने जाना बंद किया, क्योंकि वो चार बार बुलाएंगे, एक बार का पैसा देंगे आपको, उसका गिराते रहिए, इतना समय किसके पास हम जाते रहे। तो मैंने इसीलिए ये मैं इसलिए कर पाया सर कि मैं आज इन राक्षसों के खिलाफ बोल पाऊंगा, वरना यदि मुझे थोड़ा लोभ रह करे, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बोलना है तो इंडिया टीवी पे जाऊंगा, फलाना टीवी पे जाऊंगा। तो अब मैंने उन सब चीजों को छोड़ दिया, तो मेरे लिए ये मैं स्वच्छंद हो गया हूँ कि भाई आप तब आप खुल करके पक्ष को रख पाएंगे। जो आप 14 कह रहे हैं सर, इनको तो पहले से ही कांग्रेस नहीं भेजती थी इनके पास। आप जाएंगे, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, जब मैं चैनल पे गया तो अब यूट्यूब के कारण मेरी छवि दूसरी हो गई है, तो उन्होंने एक गेस्ट रूम में एक व्यक्ति था, उसने मुझे कहा कि मनीष जी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार सर, तो चुपचाप बैठा हुआ था, कहने मनीष जी ऑन एयर मुझे लतियाइएगा मत। हमने कहा कैसी बात कर रहे हैं, एकदम कह रहा हूँ सर, गेस्ट उसके गेस्ट कॉर्डिनेटर के सामने में। तो मुझे कहा कि ऑन एयर मुझे लतियाइएगा नहीं, और ये एक साल भी नहीं हुआ सर इस पर जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ऑन एयर लतियाइएगा नहीं। मैं भी सर आप ही के विचारधारा का हूं, लेकिन स्क्रीन पे बस गाली देता हूं। अब चूंकि उस चैनल पे कांग्रेस का कोई आता नहीं है, इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको नेता बनना है अपना, तो क्या करते हैं, वो हैं तो मोदी समर्थक, लेकिन गाली सुनने के लिए वो जाते हैं वहां, क्योंकि कांग्रेस वहां भेजती नहीं है, आम आदमी पार्टी वहां भेजता नहीं है। तो चैनलों पे जो है बहुत सारे जो चेहरे हैं उनको क्या लिखेगा, कांग्रेस समर्थक। मेरे चैनल पे काम करने, मेरे साथ काम करने वाली एक महिला है, मैं जानता हूं कि वो बीजेपी समर्थक कभी नहीं रही, लेकिन वो एक बड़े चैनल पे उसके नीचे लिखा हुआ रहता है महिला के बीजेपी समर्थक, क्योंकि वो बीजेपी कार्यकर्ता लिखेगा तो क्या चैनल पे केस हो जाएगा कि नहीं भाई मेरी कार्यकर्ता नहीं है, मेरी प्रवक्ता नहीं है, तो उसके नीचे लिखा रहेगा बीजेपी समर्थक, क्योंकि उस चैनल को बीजेपी अपना प्रवक्ता नहीं भेजती। तो ये सब चीजें जो है ना, ये खुला हुआ है, पर इन लोगों ने नौटंकी की है कि हम नहीं भेजेंगे। आप तो पहले ही नहीं भेजते थे वहां, तो ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है, ये पहले से घोषित था, इनको पहले ही गेस्ट नहीं देते थे ये लोग, पहले से सब कुछ था। ये जो अमन चोपड़ा ये उनके चैनल में आप कभी नहीं देखेंगे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता जा प्रोग्राम में, कभी नहीं देखेंगे। खास बात ये है कि जिन लोगों को इन्होंने किया है उनमें से कई तो ऐसे हैं, जैसे इसमें सुधीर चौधरी है, अमन चोपड़ा है, या एक दो और कोई है जो सोलो प्रोग्राम करते हैं, वो तो गेस्ट बुलाते ही नहीं है, तो फिर बुलाते ही नहीं है, वो क्या ब्लैकलिस्ट किया, वो बुलाते ही नहीं है। तो ये इस नौटंकी को अच्छा, और ये लोग खुश हो जाते हैं इसी की बाइक। कमाल की बात ये है कि इस पर वो लोग खुश हो गए, ये जो नए जिसको मैं खलियर खैराती कहता हूँ, ये लोग खुश हो गए, बहुत अच्छा हुआ कि ये जो है ये गोदी मीडिया है, और ये गोदी मीडिया गढ़ा है शब्द रवीश ने। सोचिए सर, जो सालों भर गोदी में बैठे रहे, इस किताब में चर्चा है उस आधे घंटे के शो का, और सब मैंने निकाला पूरा वो डॉक्यूमेंट सुना, जब राजदीप ने आधे घंटे का इंटरव्यू किया, 45 मिनट का करीब इंटरव्यू है सोनिया गांधी का, सोनिया गांधी का इंटरव्यू किया जब कांग्रेस की सरकार थी, और सबसे ज्यादा जब उस समय घोटाला चल रहा था, मेरे ख्याल से 2010-11 का है, और उससे पहले किया था इसने जो इंडियन एक्सप्रेस का जो संपादक था गुप्ता, शेखर गुप्ता, शेखर ने एनडीटीवी के लिए किया था, और उसके एक साल बाद राजदीप ने किया था। उस इंटरव्यू को सर आप जरूर देखिएगा, अंकुर भाई आप भी देखिएगा उसे। उस इंटरव्यू में सोनिया से पॉलिटिक्स पे कोई सवाल ही नहीं किया गया है। उसमें क्या सवाल है, सोनिया गांधी ने आपको साड़ी, इंदिरा गांधी ने आपको साड़ी पहनाना कैसे सिखाया, आप पहले क्या पहनती थी, आपका पसंदीदा खाना क्या है, आपने दाल बनाना इंदिरा गांधी से कैसे सीखा। अब देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय था, इतनी क्लियर थी हमारी प्रधानमंत्री कि सोनिया गांधी को दाल कैसे, छौंका कैसे मारा जाता है, पीली दाल कैसे बनती है, ये दाल बस इंदिरा गांधी यही सिखा, तो पूरी कहानी यही बता रही है कि इंदिरा जी मुझे दाल बनाना सिखाई, मैं पीली दाल नहीं खाई हुई थी। ये पीली दाल नीली दाल इसी पे चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री से अक्षय कुमार ने पूछ लिया, किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आप इतना मेहनत कैसे करते हैं,
इसका मजाक बना दिया गया। अरे भाई हर कोई जानता है कि वो आदमी स्क्रीन पे, मतलब हम और आप इतना बोलते हैं तो सब थक जाते हैं, 400 करते हैं 300 करते हैं तो थक जाते हैं, वो आदमी देखिए कि कितना लगा हुआ। और हमारी और आपकी उम्र, आप भी खैर रिटायर हो चुके हैं लेकिन आपसे भी सर कितने उम्र दराज हैं वो, और वो आदमी कितना एनर्जेटिक है, उससे भी सवाल पूछ दिया गया, वो सब कुछ करता है, तो कह दिया गया कि ये पत्रकार ये जो है ये मतलब सरकार से ये चीज नहीं पूछते। इनको लगता है कि मोदी जी को कोई गाली क्यों नहीं देता। तो तुम्हें जब देश में जब चीप परम भ्रष्टाचार था 2011 में, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब शेखर गुप्ता ने इंटरव्यू किया था सोनिया गांधी का, एक बार भी तुमने क्यों नहीं पूछा कि कोयला घोटाला क्या है मैडम, मतलब सिंपली पूछ लेते ना, आप ही आरोप लगता है। आपने देश की जनता को इतना बेवकूफ बनाया, आपने एक सवाल नहीं पूछा। इस सब की चर्चा है किस प्रोग्राम में है, किस तारीख को दिखाया गया, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए ये किताब पढ़नी चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरी किताब है, मुझे लगता है कि, और मैं बहुत बहुत उससे बताऊं सर, छवि ऐसी रही कि मुझे पहली किताब जब लिखने का अवसर मिला तो अमित शाह की जीवनी, मुझे प्रभात प्रभाग का प्रकाशन ने इसके लिए दिया, और वो लोग तो मतलब दूसरे ढंग से सब कुछ बात हो गई थी। मैं घर आया और मैंने तय किया कि नहीं मैं किसी की जीवनी नहीं लिखूंगा, और पता नहीं और सब उस समय मैं बेरोजगार था, मेरे पास पैसे चाहिए थे, मैंने तय किया कि मैं जीवनी किसी की नहीं लिखूंगा। तब ये किताब आधा लिखा जा चुका था और मुझे लगा नहीं मुझे यही किताब लिखनी चाहिए, और मैं अंकुर जी ने कहा कि मनीष जी इसका किताब का तो विमोचन भी आप नहीं कहीं करा सकते हैं, लोग जो हैं इसको लेना चाहेंगे, है ना। तो विमोचन मैंने पहले बार भी नहीं करा पाया, दूसरी बार भी नहीं करा पाया, लेकिन ये चीजें हैं कि आप अपनी छवि ऐसी बना पाए कि हाथों हाथ अब प्रकाशक बाबू ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस ढंग से इनका चल रहा है और किस कैसे रातों एक दिन के 24 घंटे के अंदर जो बेस्ट सेलर हुआ। तो मुझे लगता है कि ये भरोसा है, और वो जो लोग हैं वो ज्यादातर पत्रकार नहीं हैं, वो लोग भी हैं। और मुझे कोई एक साथी बहुत आसानी से कह रहा था, मनीष जी अमेजन पे आपकी किताब नहीं है, आपके जो दुश्मन है ना वो उस जगह से नहीं खरीद रहे होंगे, क्योंकि जो बेचने वाला वो भी पहचान जाएगा और आप भी पहचान जाएंगे कौन है। अमेजन पे जब वो खरीदेगा तो कोई उसे पहचान, तो अमेजन पे जब आएगा तो आपके दुश्मन ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप अंकुर जी से पूछ लें कि यार कौन कौन जरा नाम बताइए तो कोई इस नाम का खरीदा है क्या, तो लोग इससे भी घबराते हैं। तो अमेजन पे आया तो मुझे लगता है कि ये भी चीज है कि कोई भी जो मुझे ना पसंद करने वाला है वो भी खरीद रहा होगा, और उसे जानना चाहिए, मुझे ना पसंद करना अलग बात है लेकिन उन्हें इस सच को जानना चाहिए कि क्या मैंने, और उन्हें मुझे लगता है ज्यादा बेहतर समीक्षा करनी चाहिए कि क्या इस किताब में मैंने कोई कमी छोड़ दी है क्या, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा जी। तो अब इस चर्चा को हम अंत की ओर ले चलेंगे और अंकुर जी से कहेंगे कि इसको थोड़ा सा समाप्त कर दें, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप इस पुस्तक के बारे में। जी, तो सबसे पहले तो मैं मनीष जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा इतनी अच्छी पुस्तक के लिए, और मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। IIT में जब मैं था तब कुछ स्टूडेंट्स होते थे तो उनके साथ में जब चर्चा होती थी तो वो लोग बहुत मतलब धीरे धीरे करके रवीश कुमार के बहुत फैन हो गए थे, और इस मामले में मैं बिल्कुल ये सहमत हूँ मनीष जी से कि रवीश कुमार जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते थे, जिस तरीके से उनकी अपनी बात को बताते थे, बहुत ही प्रभावी ढंग से बताते थे। तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक के आने से पहले तक जो पत्रकारिता का जो काला अध्याय है उसके विषय में कभी कोई चर्चा नहीं रही। पत्रकारों को हमेशा से ऐसे देखा जाता था कि भाई ये लोग मीन्स दे आर द सेवियर्स, ये लोग डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं और जो भी सत्ता पक्ष है उससे प्रश्न करते हैं, प्रश्न करना इनका अधिकार है। लेकिन जो जो जिस तरीके से मनीष जी ने बताया कि एक तरीके से एक्सपोज करा है कि भाई आप बहुत सेलेक्टिव होकर प्रश्न कर रहे हैं, आप एक एक दल के नेता से पूछ रहे हैं भाई कैसे कौन सी चीज, कौन सी ड्रेस आपको पसंद है, कौन सी दाल आप बनाना जानते हो, और वहीं दूसरी तरफ आप दिन रात बैठ करके एक नैरेटिव के अगेंस्ट में चला रहे हैं। तो ये जो पुस्तक है मुझे लगता है कि बहुत ही युवाओं को बहुत प्रेरणा देने वाली है और उनको बेसिकली बताने वाली है कि भाई आपके साथ कौन खड़ा हुआ है और आपके विरोध में कौन खड़ा हुआ है, किससे आपको सावधान रहने की जरूरत है और किसको किसके आपको साथ में खड़े होने की जरूरत है। और YouTube जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने बहुत आज के टाइम में सोशल मीडिया ने चीजें बहुत ही अलग से अलग कर दी हैं, बदल दी हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मनीष जी को बहुत बधाई, और साथ साथ मैं यहाँ पर यह भी जिक्र करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक का दूसरा एडिशन आया और हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट एडिशन आ चुका था, काफी इसको लोग ले चुके थे पहले, लेकिन क्योंकि वो उसका कॉज इतना इम्पोर्टेंट था, गरुड़ प्रकाशन की स्थापना ही इसलिए हुई है ताकि
जो भी अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें हैं, इंडिक नैरेटिव को जो आगे बढ़ाती है, सिविलाइजेशनल इश्यूज को आगे बढ़ाती है, उनको हम लेकर के आए, तो हमने इस वजह से उसको प्रकाशित करा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये विद इन 2 डेज अमेजन पे बेस्ट सेलर हो गई, गरुड़ा बुक्स पर बेस्ट सेलर हो गई, और अभी मैं मनीष जी को बताना चाहूँगा, garuda.us जो हमारी इंटरनेशनल वेबसाइट है, जहाँ से यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से लोग खरीद सकते हैं, वहां पर भी ये बेस्ट सेलर हो गई। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपको और इसको आप ई बुक फॉर्म में भी ला रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, कुछ समय में इसको ई बुक फॉर्म में भी लाएंगे, इस पर भी कार्य चल रहा है। और दर्शकों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज मनीष जी को, गरुड़ प्रकाशन को अपना समर्थन दीजिए, इसकी प्रति जरूर लीजिए और सोशल मीडिया पर उसका भरपूर प्रचार प्रसार करिए। थैंक यू। तो इसी के साथ आज की परिचर्चा को हम विराम देंगे और मनीष जी को शुभकामनाएं कि पत्रकारिता का काला अध्याय की पुस्तक जो है ये सफलता के नए सोपान अर्जित करे, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अंकुर पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत प्रणाम सर, वंदे मातरम सर।